तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, हमारा बाप नहीं है। कोर्ट कचहरी के चक्कर से निजात पाओगे, हमें गोद ले लो। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं और मैं ठीक ठाक हूँ। दुनिया में एक बहुत बड़ी टेंशन बनी हुई है, आप सब जानते हैं। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। सब परेशान हैं, घरों में बैठे बैठे तंग आ गए हैं, लेकिन आपसे ये कहूँगा स्टे होम स्टे सेफ। हमने रिसेंटली जूनियर NTR की बर्थडे सेलिब्रेट की और दिल से जब कोई चीज करे तो वो लोगों के दिलों तक पहुंच ही जाती है। आप लोगों ने जितना प्यार दिया उस वीडियो को, जितना शेयर किया, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। बलून्स आप देख सकते हैं, मैंने कहा कि अभी भी लगे रहेंगे ताकि हमें वो याद आता रहे कि हमने वो खूबसूरत दिन सेलिब्रेट किया था। खैर, एंटरटेनमेंट का सिलसिला जो है वो चलता रहना चाहिए ताकि हमारा भी ध्यान बटा रहे और हम खुश रहें। एकदम से कहीं से गुलाबो सिताबो करके वो ट्रेलर मेरे सामने पॉप अप हुआ, देखा तो अमिताभ बच्चन पहचान में नहीं आ रहे थे, उनका हुलिया ऐसा बनाया हुआ है, लेकिन देखने में थंबनेल बहुत अच्छा लगा। आयुष्मान खुराना है और मैंने कहा आयुष्मान खुराना अगर है तो इस ट्रेलर को ना देखें तो ये नाइंसाफी होगी। तो शुजीत सरकार इसके डायरेक्टर हैं, जो कि काफी अच्छे डायरेक्टर हैं। विजय राज भी हैं, ब्रिजेंद्र काला भी हैं इसमें, तो देखने को मैं बेताब हूँ। ट्रेलर देखते हैं, ट्रेलर देखने के बाद हम इसको रेटिंग भी देंगे, इस पर डिस्कशन भी करेंगे कि हमें ट्रेलर कैसा लगा। सो स्टे विद अस, लेट्स स्टार्ट। हमारे एक बात समझ नहीं आ रही है, यहाँ एल्यूमिनियम की हंडिया पड़ी थी, वहाँ मिर्जा की चप्पलें पड़ी थी, यहाँ दो बकरियाँ बांध रखी हैं, साला हमारा ही बल्ब मिला निकालने के लिए। अरे बल्ब ना चोरी हुई, निगोड़ी जायदाद चोरी हो गई। इनकी जायदाद वाली सूरत कहाँ? अमिताभ बच्चन पहचान ही नहीं आ रहे, लेकिन बहुत मजेदार कैरेक्टर लग रहे हैं। लैट्रिन जाना हो तो मिश्रा जी की फैमिली के साथ जॉइंट टॉयलेट। लेकिन हमें पता नहीं था कि आप इतने गरीब हैं। आज से पार्किंग दो 50 रुपया रोज का। हम जाओ अपनी बकरियों के साथ बैठो, ठीक है, और ना ठोक देंगे तुम्हें हम दे। हवेली और हमारे बीच आना ना, वरना ऐसा हाल कर देंगे तो हड्डी। अरे बुलाओ, हाल तो तुम्हारा करेंगे हम। यूनिवर्सिटी के लौंडे बुला लिए ना, जितनी आस की चल रही है हवेली के साथ, सब निकाल देंगे। इतनी पुरानी ईंटें, ये तो होना ही था। एक तो किराया बढ़ाते नहीं हो, मकान खाली करते नहीं हो, घोंगा बन के बैठे हो गले में हमारे। चिल्लाओ मत, अटैक आ जाएगा। किराएदार है आयुष्मान, अमिताभ बच्चन किया। आपको तो अपना मकान खाली करवाना है किराएदार से। कागजात लाए हो मीटिंग के लिए, ऐसे आगे उठाते हुए। एक ही ऑप्शन है, हवेली भेज दो। हवेली हमने बेच दी है। बेच रहे हो? बेच ही नहीं सकते, हवेली हमारी, जमीन हमारी, मर्जी हमारी, कैसे नहीं बेच सकते? लेकिन परमिशन हमारा लगेगा, अब मजा आएगा। नफरत करते हम अपनी हवेली से बेइंतहा। ऐसा है, तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, हमारा बाप नहीं है। कोर्ट कचहरी के चक्कर से निजात पाओगे, हमें गोद ले लो। बहुत तेज है। भाग निकल, भाग ये मक्काई के। सेंसिबली रोल्स चूज करते हैं और इसी चीज की वजह से एकदम से उठे। और अमिताभ बच्चन की कोई जहां तक मुझे समझ आ रहा है हवेली है, जिससे बड़ा प्यार करते हैं, और आयुष्मान खुराना उनके किराएदार है। अब वो दोनों के बीच में नोक झोंक दिखा रहे हैं, बनती नहीं है। अब वो बेचारे बेचना चाह रहे हैं अपनी हवेली, लेकिन ये किराएदार है कि निकलने का नाम नहीं ले रहे। तो ये सारी इस मूवी में जो है कहानी चलेगी, किस तरह से चलेगी, कॉमिक वे में चलेगी, शायद हो सकता है सैड भी हो जाए। अमिताभ बच्चन को लुक बड़ा डिफरेंट सा दिया, और जो मेरे हिसाब से जो एक्टर्स अपनी
लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो वो एक्टर बहुत अच्छा होता है। अमिताभ बच्चन ने पा में जो किया था, हैट्स ऑफ। और आयुष्मान खुराना का डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार आपका कोई बेटा नहीं है, मुझे गोद ले लो ताकि हवेली उसके हिस्से में आ जाए। तो सारा हवेली का चक्कर है। गुलाबो सिताबो नाम किस सेंस में, ये मुझको समझ नहीं आ रहा। शायद किसका नाम है गुलाबो, किसका नाम है सिताबो। और ये है कि इसमें जो हवेली है शुरू में उसका कुछ नाम उर्दू में लिखा हुआ था, फातिमा कुछ करके, अब आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैंने सही मेरी ऑब्जर्वेशन है कि नहीं। तो ये सारी जी ये मामला है। और ट्रेलर अच्छा लगा है मुझे। अगर आप कहें कि बहुत अच्छा लगा है तो नहीं, लेकिन बुरा भी नहीं लगा, बहुत अच्छा भी नहीं लगा, अच्छा ट्रेलर है, देखने में मजा आता है। अब अक्सर ये होता है ट्रेलर से हम लोग चकमा खा जाते हैं, मूवी आती है तो पता चलता है कि बिल्कुल ही और चीज है। तो मूवी के आने तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते, बट देखने में अच्छा लग रहा है। एंड रेटिंग मैं देता हूं हमेशा ट्रेलर्स को, तो 4 out of 5 इसकी रेटिंग है। आप बताएं आपने इसको देखा तो ट्रेलर कैसा लगा है, और अमिताभ बच्चन की लुक कैसी लगी, आयुष्मान खुराना का काम कैसा लग रहा है आपको इसमें, लेट मी नो। एंड कल दूसरा रिएक्शन हमारा आएगा, जो कि आपको हम नोटिफाई करते रहते हैं यूट्यूब पर। आपने देखा होगा NTR की इमोशनल स्पीच है अरविंद समेठा मूवी की लॉन्च पे, मेरे ख्याल से बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है। और मैं उनको इमोशनल किस तरह देखूंगा मुझे समझ नहीं आ रहा, पर लेकिन जानना चाहते हैं कि क्यों वो इमोशनल हो गए। उसके लिए हमें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है बॉस। एक और वीडियो में आपसे करते हैं मुलाकात, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।